मोदी जी जन्मदिन पे लाए 8 चीते। सुबह से शाम तक 8 चीते, 8 चीते। दिक्कत ये नहीं है डॉक्टर साहब के चीते 8 हैं, दिक्कत ये है कि उन 8 में 5 मैडम हैं। मैं बिल्कुल यथावत हूँ, बहुत अच्छा हूँ, अच्छी जगह खड़ा हूँ, मेरा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 11 लाख रुपए का पुरस्कार डॉक्टर साहब ने जैसा कि रखा हुआ है, ऐसे 11 लाख के पुरस्कार रखते रखते इनको 20 साल हो गए मेरे पे। पैसे किसी को भी नहीं मिले और मैं इनका बहुत विशेष प्रिय हूँ इस बात के लिए। ये भी क्या हो रहा भैया, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो ऐसे ही करते रहे, वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं तो अपना। मेरे को ये पता कि ऐसा करते पर ऐसा नहीं करते, ये आजकल ऐसा क्यों करने लगे? तो मैं खुद पीछे बैठा बैठा समझ रहा था यार ऐसा तो नहीं होगा, पर वाकई में ऐसा हो रहा है। तो ऐसा मत करो भाई। ये अब बिल्कुल आवाज़ सही हो गई है। मैं प्रणाम करता हूँ श्रद्धेय श्री जगदीश सोलंकी जी साहब को, बड़े भैया अतुल कनक जी, डॉक्टर साहब, तेज भाई साहब, आशीष भैया और प्यारे दोस्त मेरे बुद्धिप्रकाश जी, कविता तिवारी जी और राम बाबू शिखरवार जी, जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को बहुत शुरुआत की है। तो मैं भी ऐसी ही कोशिश करूंगा, बहुत कम समय में कोशिश करूंगा कि रन बने, और अगर इसके बाद में रन नहीं बने तो गलती रन की है, मेरी नहीं रहेगी। क्योंकि मैं तो रन बनाता ही हूँ, पर अब नहीं बन रहे उसका मैं क्या करूँ भाई? पिच भी खराब नहीं है और इसके बाद भी रन नहीं बन रहे। तो कई बार ऐसा होता है आदमी दुर्भाग्यशाली होता है कि खानदानी पायलट होने के बाद भी हवाई जहाज दूसरे उड़ा रहे, वो क्या करे बेचारा? होता है, परंतु सामान्य सी बातें हैं। ये तो राजस्थान की धरती 8.5 करोड़ का मेला है, ये लगभग राष्ट्रीय कोटा दशहरा है, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय कोटा दशहरा मेला। मेरे को बताया, बुद्धि प्रकाश जी ने बताया कि जाने भाई यहाँ पे 8.5 करोड़ का इतना बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला, और 8.5 करोड़ के इस मेले में हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े कवि आते हैं और हजारों लाखों लोग सुनते हैं, लाखों रुपए इन कवियों को मिलता है। और फिर ये कवि यहाँ पर आकर के ये बताते हैं कि ये राजस्थान है और हम चंबल के तट पे बैठे हुए हैं। और आप भी स्वीकार करते हो कि हाँ यार वाकई में अपन बैठे हुए हैं। हमारे अतुल भैया ने बताया कि भगवान परशुराम की बहन है चंबल, और कुमार भैया ने बताया कि ये बात तो कुमार भैया को भी मालूम नहीं थी। अब कुमार भैया को ये बात मालूम नहीं थी, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। अब इनको ये थोड़ी पता कि रतन कचौरी वाला 7 रुपए में 1 कचौरी बेचता है। आपको नहीं मालूम है कि रतन कचौरी वाला 7 रुपए में 1 कचौरी और 10 रुपए में 2 दे देता है वो। तो सबकी जानकारी अलग अलग है। अब परशुराम जी की बहन है चंबल, तो ठीक है। अब उस समय या तो मैं भी पैदा नहीं हुआ और कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो अपने को कैसे मालूम कि वो परशुराम जी की बहन है चंबल? और परशुराम जी आदमी इतने खतरनाक थे, अगले आदमी की दादागिरी देखो, थोड़ा सा फड़फड़ कराने की मुंडी काट देते थे। अगले ने 21 बार काट डाली पृथ्वी पे से यार, धरावीन करो निशा। 21 बार पृथ्वी पे से इस धरती को उन्होंने हीन कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं, माहौल बहुत अच्छा है। हमारे भाई साहब डॉक्टर साहब ने जैसा कि बता दिया कि अब राजनीति में ये कवि कुछ भी बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं आ रही आवाज, वो तो मेरे को भी मालूम है कि आवाज ही नहीं आ रही है, पर अब मैं उसका क्या करूं? ये आवाज के बारे में ही बोल रहे हैं, और कुछ बोल रहे हैं? हाँ यार क्या कर सकते, आवाज के बारे में ही बोल रहे हैं, तो आवाज आ जाएगी। अब नहीं आए तो भी उसका मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं तो वहां से आया हूँ जहां पे बहुत आवाजें आ रही है इन दिनों, और आवाज ही आवाज आ रही है। भाई साहब तेज भैया, मैं तो ऐसी जगह से आ रहा, वो कह रहे कि आवाज नहीं आ रही। हमारे यहाँ तो इतनी आवाज आ रही है कि पूछो ही मत, जब भी टीवी चालू करो एक ही आवाज आ रही है। मोदी जी जन्मदिन पे लाए 8 चीते। सुबह से शाम तक 8 चीते, 8 चीते। दिक्कत ये नहीं है डॉक्टर साहब के चीते 8 हैं, दिक्कत ये है कि उन 8 में 5 मैडम हैं। अब एक के मतलब 3 के हिस्से में 3 आ रहे, तो 2 तो बेचारी यूं ही रह गई वो। अब वो जो 2 रह गई वो बहुत टेंशन में, अब हमारा क्या? क्योंकि 3 ने तो 3 का घर बस गया। और अभी फिर एक नई खबर आई मीडिया के द्वारा, उसमें एक जो आशा मैडम है, एक आशा नाम की चीती। आशा नाम की चीती। अरे जानी जवाब नहीं दे रहा, चीती। नहीं वो मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं, वो तो मोबाइल वगैरह में देख रहे कि जो एक उसका नाम है आशा और वो प्रेग्नेंट है। एक नई खुशखबरी आई कानों के जंगल से नहीं खुशखबरी आई कि वो प्रेग्नेंट है, और वो प्रेग्नेंट है। जब ये 8 आए तो 5 तेंदुए वहां से निकल के भागे। उनको पकड़ा, बोले तुम क्यों भाग रहे हो? बोले लोग हम पे शंका कर रहे हैं ना यार, क्योंकि ये तो अभी अभी आई, पता नहीं कहाँ काला वो करवा के आए हम। क्या जरा ताली बजाओ। ऐसा नहीं है, कवि सम्मेलन कोटा में बहुत अच्छा सुनते हैं, बढ़िया सुनते हैं। आशीष भैया देखो 5-7 कवि हैं, इतने ही कवि हैं ये। वैसे इन्होंने बता दिया, भाई साहब ने, राम बाबू जी ने बताया कि आप कुमार विश्वास जी के लिए बैठे हुए हैं और अच्छा सीरियल देखने के लिए विज्ञापन झेलना पड़ते हैं। अब ये बात क्या इन्होंने कही? क्या डॉक्टर साहब ने, हम सब विज्ञापन नहीं हूँ? नहीं भाई, अपनी इज्जत अपन खुद ही नहीं कर रहे हैं। जबकि मैं नगर निगम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 2 बड़े स्टार बुलाए, एक ये और एक मैं। नहीं, एक शुरुआत का और एक समापन का। 2 आदमी भाई, अपने आप को तो बड़ा मानो। नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा अपने को? इसलिए मानते रहो बड़ा, कोई कुछ भी नहीं है। सब और सब प्रेम भाव का माहौल है पूरे देश में, सब अच्छा चल रहा है। राजनीतिक वे मनुष्यता है, सब खत्म हो चुकी है। बुद्धि भाई, अतुल भाई साहब, सोलंकी जी साहब हमारे बीच में विराजमान है। मैं उनके चरणों को स्पर्श करता हूँ। और अब किस किस को लो बोलो। तो ये सारी बातें अलग है कि बुझ ही नहीं सकती ये आग। पत्रकार लोग यहाँ पर आगे बैठे हुए हैं और हमारे जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारा पारिश्रमिक मिल गया है। सर भी बता रहे थे, अनिल भैया भी बड़े भावुक हो रहे थे। निशा मुनि हो रहा था, बोले यार मेरे छोटे से निमंत्रण पर आज कुमार विश्वास कोटा में आए हुए हैं। आपको सर इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने जितने मांगे इतने आपने दे दिया ना। आप दे दो तो ये आ जाते हैं, कोई बात ही नहीं है। और पूरे देश में जा रहे हैं कवि सम्मेलन, पूरे देश में हो ही रहे कि नहीं हो रहे? तो जितना मांगे इतना पैसा दे तो सब फटाफट चले आते हैं। कितना ही ट्रैफिक हो तो भी आ जाते हैं। बुद्धिप्रकाश जी आए कि नहीं आए, सारे ट्रैफिक को चीरते हुए आ गए यहाँ पे।